वेलकम टू सेलेबस। की हाल चाल, सब बढ़िया? तो भाई बात करते हैं कि भाई प्रिंस नरुला जो है, हमारे मास्टरमाइंड जो भी है, जो हुकुम के इक्के है, वो कॉन्टेस्टेंट है भी या नहीं। अब सवाल ये कहाँ से आया, मैं अब आपको बताता हूँ। अभी तक जितने भी टास्क हुए हैं कि उसमें उसको जोकर रखा गया है, एज ए संचालक रखा गया है। तो भाई अब ये बात तो कल मुझे डाउट कब हुई, जब युविका चौधरी है जिन्होंने ट्विटर पे ये पोस्ट करा, फॉर मी मुनावर फारूकी इज़ अ विनर, आई एम श्योर ही विल विन, लेट सपोर्ट। तो भाई हम आपको बता दें कि शो के मेकर जो है, देखो भाई सीज़न शुरू होने से लेके अब तक जो मुनावर है वो किंग माने जाते हैं, जो कि अभी भी है, ठीक है, मतलब उनकी गेम दिख रही है, अप हो रही है, बाकी सब शैडो बैन हो चुके, मतलब मुनावर के बीच के लिए नहीं, किसी और वजह से। तो भाई शो के मेकर्स ने कुछ ऐसी चाल चली कि भाई इन सबको जगाना है। अब जगाने के लिए हुकुम का इक्का तो भेजना पड़ेगा, ठीक है, तो अंजलि भी जाग गई, पूनम भी जाग गया, अली भी जाग गया और अफ्जा भी जाग गई। सॉरी अफ्जा, वो छोटी बच्ची, सॉरी वो है ना वो। हाँ तो भाई ये बात है, तो भाई इस हिसाब से तो 99% श्योर हूँ कि भाई प्रिंस नरुला को सिर्फ गेम अप करने के लिए बुलाया है। मतलब जो एंड का जो सीजन होता है ना भाई, बवाल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं ठंडा ठंडा, लेकिन अब लग रहा है क्योंकि सब लोग खुल के बाहर आ रहे हैं, ठीक है। अभी जो अंजलि और मुनावर के बीच हुआ उसके बारे में हम कमेंट नहीं करेंगे, वो उन दोनों का आपस का मामला है भाई, वो सुलझा लेंगे, आई थिंक कल सुलझा ही लिया था, ठीक है। अब इसमें एक बात बोलूँगा मैं कि भाई शेर जब घायल होता है तभी लोग वार करते हैं, समझ रहे हो बात, तो बस इस बात को समझ लो। हाँ अब मुना चाहे प्रिंस नरुला कितने भी मास्टरमाइंड क्यों ना हो, कितने भी रियलिटी शो क्यों ना जीत लिए हो, लेकिन एक बात तो तय है भाई, हाँ मुनावर को भनक लग गई थी उसके आते ही, ये आपको बता दूँ, और उसको ये भी पता है, समझ रहे हो, ये बात किसी ने नोटिस नहीं करी, मुनावर को ये भी पता है कि भाई प्रिंस नरुला जो है वो कॉन्टेस्टेंट नहीं है। जी हाँ, ये मुनावर को बात पहले से पता है। अब पता कैसे है वो आप जान लीजिए, जब भी प्रिंस नरुला आया था, ठीक है, एक नाइट कॉन्वर्सेशन के दौरान उसने ये किसी से शेयर नहीं किया था, लेकिन जब कैमरा से वो बात कर रहा था तभी उसे मुंह से निकल गया कि भाई प्रिंस, मतलब ऐसे सरकाजम वे में उसने बोला था, मतलब लोगों को पता ना चले, ठीक है, उसने कुछ ऐसा बोला था कि प्रिंस कोई ना वो थोड़ी है, मतलब ऐसा कुछ थोड़ा सा बोल के म्यूट कर दिया था उस चीज़ को, और उसे पता था कि भाई प्रिंस नरुला जो है कॉन्टेस्टेंट नहीं है, तो भाई वैसे उसके लिए थ्रेड भी नहीं है देखा जाए तो, ठीक है। हाँ जब शेर घायल होता है तभी लोग उसके पास जाते हैं उसको उंगली करने, अब भाई उंगली कर दिए तब ये शेर बवाल मचाएगा, मतलब अपकमिंग जो एपिसोड में जो भी टास्क होगा ना भाई, मुनावर अभी जो देखेगा ना वो आपको बंदा तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाएगा, अभी बता रहा हूँ मैं, मतलब जब घायल शेर को जब कोई उंगली करता है ना, हाँ तो भले उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, भले उसके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो टास्क में हार गया कल, हालांकि शिवम जीत गया और शिवम भी डिजर्व करता था यार, बंदा मेहनत करी है उसने टास्क में भी, ठीक है, फनी भी है, अच्छा है, तो जीत गया। लेकिन भाई मुनावर फारूकी को अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत कीजिएगा, ठीक है भाई। हाँ पायल, पायल रोते की तो भाई कल क्या ही बोलूँ उसके लिए, हाँ उसने तो माने, मतलब ऐसे मतलब कहते हैं ना कि भाई किसी को हराने के लिए छः छः लोग मिल के इतनी साजिश कर रहे हैं तब जाके वो बंदा हारा है, तो तुम अपनी गिरेबान में झांक के देखो पहले कि भाई इसको हराने के लिए हमको इतना सारा गेम प्लानिंग करना पड़ा, तो भाई आप समझ ही सकते हो, ठीक है। और एक बात ये भी सुन लो भाई, शो के मेकर जो भी हो वो कहे कि ना कहे, ठीक है, अभी कौन जीतेगा वो तो वक्त ही बताएगा, ठीक है। तो भाई जितने भी मुनावर के फैंस हैं जो भाई सपोर्ट करो भाई, हाँ
बंदा बहुत अच्छे से खेला है, ठीक है, मुझे तो वही विनिंग क्वालिटी लगता है, दूसरे तो कोई ख़ास है नहीं। हाँ, जो इरिटेट करती रहती है उसको तो मैं ध्यान में भी नहीं देता, ठीक है। वो आई डोंट नो, पता नहीं शो के मेकर उसको क्यों इतना हवा दे रहे हैं, ठीक है। विक्टिम कार्ड खेल खेल के, मतलब क्या ही बोले, अब छोड़ो। अब बात करते हैं भाई कल वाले टास्क में। करण कुंद्रा ने एक बढ़िया सी एडवाइस दी। देखिए यार, मुनावर जो है वो पता है उसको गेम के लिए बुरा नहीं लगा, जो अंजलि ने उसको बैक स्टेप किया ना उसके लिए उसको बुरा लगा। हाँ, तो ये बात है। तो ये बात करते हैं भाई करण कुंद्रा की न्यू पोस्टर जो अभी, अरे हाँ, 21st आज नया पोस्टर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ, 21st आज ही है ना, देख लेता हूँ। हाँ, 21st, ओके, आज पोस्टर रिलीज़ हो जाएगा, जिसका नया सॉन्ग आ रहा है दिव्या अग्रवाल के साथ, और करण कुंद्रा का और एक सॉन्ग आ रहा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ कि और एक सॉन्ग आ रहा है करण कुंद्रा का, और वो भी तेजस्वी प्रकाश के साथ, मतलब अपनी लड्डू के साथ। तो उसके लिए भी बने रहिए स्टे ट्यून, मैं आपको बताता रहूँगा। उसके लिए कुछ BTS आए हैं, लेकिन यार वो उसी सॉन्ग के वो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, ठीक है। अभी वो BTS उसी सॉन्ग के या फिर किसी शूट के या किसी प्रोजेक्ट के वो पता नहीं, लेकिन जब पक्का होगा ना तब वो BTS में रिवील कर दूंगा, ठीक है। तो यार इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे जो आपने प्यार बरसाया है, मतलब जो भाई साहब कमेंडेबल है, सो थैंक यू सो मच। और उतना पार वहाँ बरसा रहे तो यहाँ भी बरसा दो, यहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। करण कुंद्रा का न्यू पोस्टर आ रहा है आज 21st को, और दूसरा भी सॉन्ग आ रहा है, ठीक है। ओमी भैया ने हमारे बता दिया है कि भाई पोस्टर रिलीज अब होगा 21st को, ठीक है। 23 या 24 को ट्रेलर होगा और 28 को सॉन्ग रिलीज़ हो जाएगा, और शायद 28 जो रिलीज़ उसके दूसरे या तीसरे दिन बाद शायद ये जो सॉन्ग आने वाला है लड्डू और सनी का वो भी रिलीज़ हो जाए। तो स्टे ट्यून्ड विद द सेलेब्स, इंस्टा ट्विटर पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे बहुत मज़े आते हैं, ठीक है। मतलब मज़े इन द सेंस मैं वहाँ पे जल्दी बता देता हूँ ना, इसीलिए। तो स्टे ट्यून्ड विद द सेलेब्स, थैंक यू।